दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज हम आपको राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली NPS क्या है, इससे किस तरह से लाभ प्राप्त किया जा सकता है, NPS नेशनल पेंशन स्कीम के बारे में हम आपको आज के वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे। सरकारी पेंशन योजना, जिसे कि NPS के नाम से जाना जाता है, नेशनल पेंशन स्कीम सरकार द्वारा प्रायोजित पेंशन योजना जनवरी 2004 में सरकारी कर्मचारियों के लिए शुरू की गई थी। यह 2009 में सभी वर्गों के लिए लागू कर दी थी। यह सभी नागरिकों को सेवानिवृत्ति आय प्रदान करने के उद्देश्य से आरंभ की गई थी। एक ग्राहक अपने कामकाजी जीवन के दौरान पेंशन खाते में नियमित रूप से योगदान कर सकता है, एक मुश्त में कॉप्स का एक हिस्सा वापिस ले सकता है और शेष राशि सेवानिवृत्ति के बाद नियमित आय सुरक्षित करने के लिए एक वार्षिकी खरीदने का उपयोग कर सकता है। तो आइए आपको NPS के बारे में विस्तार से बताते हैं, लेकिन उससे पहले आपको NPS नेशनल पेंशन योजना राष्ट्रीय पेंशन योजना के बारे में बताएंगे। राष्ट्रीय पेंशन योजना द्वारा वृद्धावस्था के दौरान उस समय वित्तीय सुरक्षा और स्थायित्व दिया जाता है जब लोगों के पास आय का कोई नियमित स्रोत नहीं होता है। सेवानिवृत्ति योजना द्वारा सुनिश्चित किया जाता है कि लोगों के पास प्रतिष्ठापूर्ण जीवन जीने और अपनी उम्र के बढ़ते वर्षों में अपना जीवन स्तर किसी समझौते के बिना अच्छा बनाए रखने की सुविधा हो। पेंशन योजना से लोगों को निवेश करने और अपनी बचत संचित करने का अवसर मिलता है, जो सेवानिवृत्ति के समय वार्षिक योजना के रूप में एक नियमित आय के तौर पर उन्हें एक मुफ्त राशि देश के। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या प्रभार के अनुसार भारत में जीवन प्रत्याशा वर्तमान 65 वर्ष से बढ़कर 2050 तक 75 वर्ष पहुंच जाने की आशा है। देश में बेहतर स्वास्थ्य और स्वच्छता परिस्थितियों से जीवन अवधि बढ़ गई है। इसके परिणाम स्वरूप सेवानिवृत्ति के पश्चात के वर्षों की संख्या भी बढ़ गई है। जीवन की बढ़ती लागत स्फीति और जीवन प्रत्याशा ने सेवानिवृत्ति की योजना को आज के जीवन का अनिवार्य हिस्सा बना दिया है। अधिक से अधिक नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली आरंभ की है। नेशनल पेंशन स्कीम क्या है? भारत सरकार ने देश में पेंशन क्षेत्र के विकास और विनियमन के लिए 10 अक्टूबर 2003 को पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण, जिसे हम PFRDA के नाम से जानते हैं, को स्थापित किया है। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली NPS 1 जनवरी 2004 को सभी नागरिकों को सेवानिवृत्ति आय प्रदान करने के उद्देश्य से आरंभ की गई थी। NPS का लक्ष्य पेंशन के सुधारों को स्थापित करना और नागरिकों में सेवानिवृत्ति के लिए बचत की आदत को बढ़ावा देना। आरंभ में NPS सरकार में भर्ती होने वाले नए व्यक्तियों, सशस्त्र सेना बलों के अलावा के लिए आरंभ की गई थी। बाद में स्वैच्छिक आधार पर असंगठित क्षेत्र के कामगारों सहित देश के सभी नागरिकों को प्रदान की गई है। NPS खाता के अंतर्गत जो भी व्यक्ति इसका लाभ लेना चाहता है, उसे एक विशिष्ट स्थायी सेवा निवृत्ति खाता संख्या, जिसे हम प्रान नंबर के नाम से जानते हैं, प्रदान किया जाता है। यह खाता संख्या कस्टमर के जीवन पर्यंत बना रहता है। इस विशिष्ट PRAN को भारत में किसी भी स्थान पर उपयोग किया जा सकता है। इसके अंतर्गत दो प्रकार के खाते हैं। पहला होता है टीयर वन खाता। यह खाता रिटायरमेंट के लिए नॉन विड्रॉल खाता है, जो कि बचत के लिए विशेष रूप से है। टीयर टू खाता यह स्वैच्छिक बचत खाता है, यानी कि कस्टमर जब चाहे इस खाते से पैसे निकाल सकता है। इस खाते पर कोई कर लाभ उपलब्ध नहीं है। NPS के लिए नियामक और संस्थाएं पेंशन निधि।
विनियामक और विकास प्राधिकरण PFRDA पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण एक स्वायत्त निकाय है जिसकी स्थापना भारत में पेंशन बाजार के विकास और विनियमन हेतु की गई है। पीओपी पीओपी पहला बिंदु है जो कि कस्टमर को एनपीएस के बारे में जानकारी प्रदान करता है। केंद्रीय अभिलेखन एजेंसी CRA एनपीएस के सभी अभिदाताओं के अभिलेखों के रखरखाव और ग्राहक सेवा कार्य नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड द्वारा संभाले जाते हैं, जो एनपीएस के लिए केंद्रीय अभिलेख रखरखाव केंद्र के रूप में कार्य करता है। वार्षिकी सेवा प्रदाता ASP एनपीएस से निकलने के बाद अभिदाता को नियमित रूप से मासिक पेंशन प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होता है। एनपीएस में कौन कौन भाग ले सकता है? केंद्र सरकार के कर्मचारी, राज्य सरकार के कर्मचारी, कॉरपोरेट, कोई भी व्यक्ति, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, वर्कर स्वावलंबन योजना। एनपीएस से मिलने वाले लाभ व एनपीएस से मिलने वाले लाभ इस प्रकार से हैं। एनपीएस पारदर्शी और लागत प्रभावी प्रणाली जिसमें पेंशन के अंशदान का निवेश पेंशन निधि योजनाओं में किया जाता है और कर्मचारी दैनिक आधार पर निवेश का मूल्य जान सकता है। सभी अभिदाताओं को अपने नोडल कार्यालय में खाता खोलना होगा होता है और एक स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या PRAN लेना होता है। प्रत्येक कर्मचारी को एक विशिष्ट खाता संख्या से पहचाना जाता है और उसकी एक अलग प्रान नंबर होता है जो कि पोर्टल है, अर्थात कर्मचारी को किसी अन्य कार्यालय में स्थानांतरित होने पर भी समान बनी रहती है। एनपीएस का विनियमन पारदर्शी निवेश मानकों के साथ PFRDA द्वारा एनपीएस न्यास द्वारा निधि प्रबंधक की नियमित निगरानी और निष्पादन समीक्षा के साथ किया जाता है। एनपीएस से होने वाले टैक्स लाभ वर्तमान में Tier 1 खाते में दिए गए अंशदान के लिए कर उपचार में छूट है। छूट प्राप्त कर अर्थात संपूर्ण अभिदान राशि पर 1,00,000 रुपए की सीमा तक सकल कुल आय से कटौती की पात्रता है। धारा 80C के अनुसार आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुसार जिन्हें समय समय पर संशोधित किया जाता है, वार्षिकी खरीदने के लिए अभिदाता द्वारा प्रयुक्त राशि और अभिदान पर मूल्य वृद्धि का योग्य नहीं है। एक अभिदाता यानी कि पेंशन खाता धारक द्वारा केवल 60 वर्ष की आयु के बाद निकाली गई रकम ही कर योग्य है। एनपीएस की फीस क्या होती है? दोस्तों Tier 1 खाते से जुड़े सभी प्रभारों सहित वार्षिकी PRA रखरखाव प्रभार का भुगतान कंपनी द्वारा ही किया जाता है, अर्थात जो भी सरकारी कर्मचारी हैं उन सब के एनपीएस का प्रभार उनके डिपार्टमेंट के द्वारा किया जाता है। और Tier 2 जो कि इंडिविजुअल अकाउंट होता है, जो कोई भी व्यक्ति एनपीएस में अपना अकाउंट खोल सकता है, इस खाते में प्रभार और लेनदेन प्रभार का भुगतान अभिदाता द्वारा ही किया जाता है। तो दोस्तों ये थी हमारी एनपीएस के ऊपर आपको दी गई जानकारी। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।